वेलकम टू ड्रीम डिकोड, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। तुलसी पूजा का फल कार्तिक मास में होती है तुलसी शालीराम का विवाह। ऐसी मान्यता है कि इस माह में तुलसी की पूजा करने से कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए गोपी ने यमुना स्नान कर तुलसी माता की आराधना की थी। यही कारण था कि आज भी कुंवारी कन्याएं मनवांछित फल प्राप्ति के लिए विधि विधान के साथ तुलसी की पूजा करती है। आचार्य केशव जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक महीने का व्याख्यान करते हुए कहा है कि तुलसी पौधों में तुलसी महीनों में कार्तिक दिवस में एकादशी तथा तीर्थों में द्वारका मेरे हृदय के हमेशा निवास स्थान होता है। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने का विधान है। ऐसा तो साल भर में तुलसी की पूजा की ही जाती है, लेकिन कहा जाता है कि कार्तिक मास में तुलसी के सामने दीपक जलाने से मनवांछित फल मिलता है। कार्तिक में महीनों में तुलसी की नियमित पूजा व दीपक जलाने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक महीने में भगवान श्री कृष्ण को तुलसी चढ़ाने का फल गोदा का फल से कई गुना अधिक गोदान मिलता है। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन यानी देव उठावनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु निंद्रा से जागते हैं, इसलिए इसे देव उठाने पर तुलसी विवाह को पवित्र मुहूर्त मानते हैं। इस साल तुलसी विवाह गुरुवार 26 नवंबर को मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी होती हैं ऐसे घर में यमदूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से हुआ था, इसलिए कहा जाता है कि जो तुलसी जी के भक्त या भक्ति करते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने तुलसी जी को वरदान दिया था कि जब तक शालिग्राम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाऊंगा और जो व्यक्ति बिना तुलसी के मेरी पूजा करेगा मैं उसका भोग स्वीकार नहीं करूंगा। इस महीने में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। कहते हैं तुलसी विवाह करने से पुण्य फल प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह से घर में सुख संपत्ति आती है। इसी दिन तुलसी के पौधे का गमला सजाकर उसके चारों तरफ ईख का मंडप बनाकर ऊपर से उड़नी या सुहाग प्रतीक चुनरी उड़ाते हैं। तुलसी विवाह से पहले तुलसी के सभी नियमों को जान लेना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि तुलसी पत्र बिना स्नान के नहीं तोड़ना चाहिए। कभी भी शाम को